भले ही व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर यूजर्स व्हाट्सएप छोड़ सिग्नल का हाथ थाम रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप के ऐसे कई एडवांस फीचर्स हैं जो आप सिग्नल पर मिस कर देंगे। आज के वीडियो में हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे कि ऐसे क्या फीचर्स हैं व्हाट्सएप के जो आपको सिग्नल पर नहीं मिलने वाले। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। मेरे साथ एंड तक बने रहे, मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट्सएप पे ऐसे एडवांस फीचर जो हमें सिग्नल ऐप पर नहीं मिलने वाले। आपको बता दूं खास बातें कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर यूजर्स व्हाट्सएप को छोड़कर अल्टरनेटिव ऐप का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप यूजर धीरे धीरे व्हाट्सएप का साथ छोड़ रहे हैं और वो अब अल्टरनेटिव तलाश कर रहे हैं। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद यूजर्स सिग्नल ऐप की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि ऐसे क्या एडवांस फीचर्स थे जो हम व्हाट्सएप पर यूज करते थे लेकिन वो हमें सिग्नल ऐप पर नहीं मिलने वाला। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर आलोचनाओं में घिरा हुआ है। उसके यूजर्स धीरे धीरे व्हाट्सएप छोड़कर अब दूसरे अल्टरनेटिव ऐप की तरफ बढ़ रहे हैं। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद यूजर्स टेलीग्राम और सिग्नल की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप को छोड़कर टेलीग्राम और सिग्नल को डाउनलोड कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि व्हाट्सएप पे हम कई ऐसे एडवांस फीचर्स यूज करते हैं जो हमें दूसरे ऐप पर नहीं मिलता। उसी फीचर्स के बारे में ये वीडियो में बात करने वाला हूं। व्हाट्सएप का सबसे एडवांस फीचर जो है वो है स्टेटस अपडेट्स। यदि आप व्हाट्सएप को छोड़कर सिग्नल को यूज करने वाले हैं तो आप लोगों को बता दूं, कोई भी फोटो या फिर शॉर्ट वीडियो 24 घंटे तक अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाने की इजाजत देता था, जो आप और आपके कॉन्टैक्ट्स ही देख सकते थे, जो कि आपको सिग्नल पर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। लेकिन अभी तक सिग्नल पर ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है। दूसरा फीचर्स, गूगल पे की तरह हम व्हाट्सएप पे भी किसी को भी पेमेंट कर सकते थे। ये फैसिलिटी देता था आप अपने कॉन्टैक्ट्स को या तो फिर किसी और को भी आप व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट कर सकते थे, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप में अपनी बैंक की डिटेल फिट करनी पड़ती थी। तीसरा जो व्हाट्सएप का एडवांस फीचर था वो है ग्रुप कॉलिंग। आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ में आप वीडियो कॉल करके रूबरू हो सकते थे। व्हाट्सएप हमें यह सुविधा देता था कि आप अपने रिलेटिव से या फ्रेंड से एक साथ वीडियो कॉलिंग पर बात कर सकते थे, जो कि यह सुविधा आपको सिग्नल पर नहीं मिलने वाली। उसके बाद आता है कस्टमाइज वॉलपेपर। व्हाट्सएप हमें यह सुविधा देता था कि हम अपने चैट्स के वॉलपेपर व्हाट्सएप पर चेंज कर सकते थे। आप अपने मनपसंद के वॉलपेपर अपने चैट्स पर लगा सकते थे, जो कि आपको सिग्नल पर नहीं मिलने वाला, क्योंकि सिग्नल हाल ही में आया हुआ है। व्हाट्सएप की तरह ये एडवांस फीचर्स अभी फिलहाल सिग्नल पर नहीं है। उसके बाद आता है ऑनलाइन। व्हाट्सएप हमें सुविधा देता है कि हमारे कॉन्टैक्ट्स अगर कोई ऑनलाइन आया है तो वो हमें पता चल जाता था, हमें वो ऑनलाइन दिखाता था ताकि हम उसे ऑनलाइन देखकर अपनी बात शुरू कर सके। व्हाट्सएप के दूसरे एडवांस फीचर्स की तरह ही ये फीचर्स भी आपको सिग्नल पर नहीं मिलने वाले। आपको बता दें कि व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कुछ फेरबदल किया है जो कि यूजर्स के लिए सुरक्षित नहीं है। इस पॉलिसी के अंतर्गत व्हाट्सएप आपकी जानकारी, आपकी डिटेल फेसबुक के साथ में शेयर कर सकता है। आपको बता दें कि जब व्हाट्सएप नया नया मार्केट में आया था तो उसने यूजर्स की प्राइवेसी को मेंटेन रखने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि व्हाट्सएप अपनी प्रॉमिस को पूरी तरह से भूल चुका है। अब वो हर व्हाट्सएप यूजर्स को एक टर्म्स एंड पॉलिसी के तहत एक मैसेज भेज रहा है, जिसमें आप एग्री अगर करते हैं तो आपकी प्राइवेट डिटेल वो फेसबुक के साथ या किसी भी और के साथ पूरी तरह से शेयर कर सकता है, और अगर आप व्हाट्सएप के टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री नहीं करते तो 8 फरवरी को आपका व्हाट्सएप बंद हो सकता है। तो ये आप लोगों को तय करना है कि व्हाट्सएप जो अब तक हमें एडवांस फीचर्स देता आया है,
अब आप उसका इस्तेमाल करेंगे या फिर आप भी किसी अल्टरनेटिव की तरफ जाएंगे, या तो आप टेलीग्राम यूज कर सकते हैं या तो फिर सिग्नल ऐप यूज कर सकते हैं व्हाट्सएप के बदले। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो या आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।